हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी वीडियो में, आपके अपने चैनल पे। गाय रंभा रही है, इग्नोर कीजिएगा, अभी इनका पानी पिलाने का टाइम हो चुका है। मैंने सोचा उससे पहले मैं वीडियो शूट कर लूँ। और आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी, जो कि है मेरे पास आया है ममार्थ का एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर विद एलोवेरा एंड अश्वगंधा। ठीक है, तो ये अलग पैकेज, इस तरह की पैकेजिंग में आया है। बाकी और टाइम, जैसे आपने देखा था, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, वो थोड़ा ट्यूब टाइप में था। तो ये वाला जो है, ये इस तरह एक उसमें मॉइस्चराइजर है, और इस तरह की पैकेजिंग में ये आया है। तो ये देखिए, इस तरह का ये डब्बू है, डब्बू बोलते हैं हम अपनी भाषा में, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, और इसका टेक्सचर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ कि इन्होंने क्या क्या इस पर मैंशन करा हुआ है, ठीक है। तो ये है जी ममार्थ एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर विद एलोवेरा एंड अश्वगंधा। तो एलोवेरा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हाइड्रेट रखता है हमारी स्किन को। और अश्वगंधा, ये जो इसमें मेन जो इन्ग्रीडियंट पड़े हैं, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मतलब इससे ग्लो आता है एक हमारे फेस पे। और बाकी इस पे, उसके ऊपर आपको कोई भी क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद आपको कुछ लगाना है। और ये हमारे जो फेस को 24 फेस स्किन को 24 घंटे हाइड्रेट रखता है, ठीक है। और फॉर यूथफुल ग्लो ग्लो, वो तो आपको पता ही है कि यूथफुल ग्लो के लिए है। और मेड सेफ है, डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप, किसी भी तरह की जो स्किन है आपकी, वो उस पर ये शूट होता है। बाकी इसकी अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने एक और यहाँ पे मेंशन करा हुआ, मैन एंड वुमेन ऑफ एज 18 ईयर एंड अबव द एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चर इज ऑल स्किन फ्रेंडली, ठीक है। तो सभी इसको यूज कर सकते हैं, मैन वुमेन सभी इसको यूज कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद इसका मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर किस तरह का है। तो पहले इस तरह से ये बंद है, ठीक है। तो इसके बाद ये आपने ढक्कन खोला, और इसके बाद जब आप इसको देखेंगे, वाह, और पता है कि बिल्कुल जेली फॉर्म में, बिल्कुल जेली में। और ये देखो, इस तरह से मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, और बिल्कुल लाइट वेट है। आपको अपनी स्किन पे ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भारी भारी हमने ये लगाया हुआ है कुछ भी किस तरह का। और इसमें ज़्यादा मैं ये नहीं बोल सकती, बहुत ज़्यादा खुशबू है, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी अच्छी है। और इसको लगाना आपने बिल्कुल क्लीन फेस पे लगाना है, इसको ये नहीं है कि बिना मुंह धोए लगा दिए। आप इसके जो चाहे किसी भी चीज़ से आप अपना फेस वॉश कर लीजिए, इनका ही होता है, ममार्थ का फेस वॉश भी होता है किसी भी चीज़ से। उसके बाद बिल्कुल क्लीन जब आपकी स्किन हो जाएगी, फेस हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको लेना है। और इस तरह से मैं आपको इसका बता देती हूँ कि इस तरह से आपने लेना, और अपने फेस पे धीरे धीरे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने फेस पे आपने इसको जो देखो, इस तरह का है, अलग जैसे फॉर्म में है इस तरह से, ये देखो। और इस तरह से लेके आपने इसको जो अपने इस तरह से अपने नेक पे भी इसको यूज करना है इस तरह से। और इसकी तब तक मसाज करनी है जब तक कि आपका ये पूरी तरह से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक इसकी मसाज करनी है, और बाद में आपको खुद पता लग जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा जो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बिल्कुल लाइट वेट। तो स्क्रीन पे आपको एक कोड शो हो रहा होगा मेरे नाम का, उसको अगर आप खरीदते हो उसको डालोगे तो आपको वहाँ पे छूट मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो स्क्रीन पे जो कोड है शो हो रहा है उसको आप नोट कर लीजिए, और उसको आपने ज़रूर डालना है जब आप इसको खरीदोगे। और आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी यहाँ से आपको काफ़ी इसमें छूट मिल जाएगी। तो लिंक में जाके चेकआउट, डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर करना इसका लिंक, और वहाँ से आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। मैं काफ़ी दिन से इनको यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हो, और बहुत अच्छा इनका जो है इसका रिजल्ट है। इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसे धीरे धीरे करके जब आप थोड़ी देर करोगे तो आपकी स्किन में बिल्कुल बिल्कुल ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, और आपको एक बहुत ही अच्छा जो यूथफुल ग्लो और एक तरोताज़ा त्वचा जो अपने फेस पे आपको महसूस होगी, बिल्कुल तरोताज़ा हमारी जो है हमारा फेस हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी भी ये पड़ा हुआ है, तो वहाँ जाके चेकआउट ज़रूर करना, बहुत से लोग यूज़ करते हैं ममार्थ के प्रोडक्ट, तो आपको वहाँ से काफ़ी सारी छूट मिलेगी। चलिए अब देख लेते हैं वीडियो। ना सबसे आगे आ गई थी नीचे से, बुढ़ी नहीं ऐसे पकड़ा हुआ इसने डंडा, ये नहीं है इतनी बुढ़ी। और यहाँ पे ट्रक लगे, और अभी हम सड़क में पहुँच गए, धुंध ही धुंध है।
ये आमा। बस हम चार लोग गए थे, मासी भी गई थी यहाँ से, पर वो भी नीचे रह गई, उसने राम राम से आना। और हाँ वो काफी लोग पूछेंगे कि आपकी भाभी नहीं गई, तो मैं बता दूं कि ये काम जो है ना, ओ चुप करो, ये जो काम है ना ये बेटा बेटियों का ही होता है भाई, बहुओं का नहीं होता। मतलब वो उसने जाना भी नहीं था वैसे, वो खाना खुना बना रही है घर में, तो पुनीत भी है घर में, शानू भी है, तो फिर उसने जाना भी नहीं था। और ये ऐसा अगर कंपलसरी होता तब तो चली भी जाती, पर मेरा और मेरे भाई का ही जरूरी था। है अम्मा, है ना अम्मा? और अम्मा को ना चक्कर जैसे आ रहा है। अम्मा तू चिड़चिड़ की दी शहर हुई? नहीं नहीं माटी बैठ रही है सर। अरे भाई सिरो नो देख माटी, अम्मा के सिर के ऊपर माटी माटी बैठी है, मिट्टी मिट्टी। मैं पता क्या लगे जानी अस्सी साल की सारी जी मुंह माटी माटी। तभी हम पहुंचने वाले घर के पास, हम लोग पहुंच गए अब घर में, और पंखा लगा हुआ है यहाँ पे, ये ब्लर क्यों मार रहा है इतना ज्यादा, फिर शानू सो रहा है। लो अभी भाभी और पुनीत भी सो रहे हैं, हम लोग आगे लो रे लाओ पे चढ़ी, अरे मेरे पंखे जो फंसी जाऊं ते वे मेरी तो मुंड की लगू जानी। अब इसको धूप की जगह पे रख देंगे, जो पानी का लोटा लेके आए थे हम, और फिर शाम के टाइम इसका रख देंगे, फिर अम्मा खाना खाएगी। पुनीत ये देखो पुनीत सो रहा है इधर, ये लोग देखेंगे भी 5 बजे भी सो रहा है बंदा। मैं बैठ जाती हूँ पंखे के पास अब, आठ मिनट लो भाई, आप लोग बोलते हैं भाई आप अपने पिता को नहीं दिखाते, पिता आते ही नहीं वीडियो में, तो मैं क्या करूं भाई। ये देखो अरे अम्मा का प्याज, और मेरी कमर में दर्द हो गई सुबह सुबह, देख कितना प्याज। अम्मा प्याज ले जाऊं थोड़ा सा? नहीं नहीं यार, वो गरीब हुआ है हमारे, मेरे को पार आ पर से नहीं जाते मैं। सुबह सुबह का टाइम है, ये देखिए ये बर्तन दो भाभी बर्तन धो रही है सुबह सुबह, इनके सिर में दर्द लगी है। उधर मेरा भाई आटा लगा रहा है, ये मेरे को रही है खाना बनाने की तैयारी, पर मैंने खाना नहीं इनको मैं बोल रही हूँ, ये मान ही नहीं रहे। सुबह सुबह मेरे को ना मैंने ये खाया फ्रूट, यहाँ पे ये नवेद था ये खाया मैंने, और मेरे को ऐसा हो गया जैसे पेट भरा है मेरा। शाना सो रहा है, ये मेरी बूबा है, बूबा ए बूबा, ये मामी जी बल्कि अच्छी चीज ये पचदी नहीं। वो मासी अगे बंदी पर भानू जो देना दे। तो चलिए जी अभी हम पराठा खा रहे हैं यहाँ पे, चल उठ जा फिर निकलना है घर को। ले वो भी घर कमाल, ये देखो हमारे लिए परांठे बना दिए जी सुबह सुबह, क्योंकि और हमने खाना है, वैसे कड़ी भी बनी है, चावल भी बने, सब कुछ है, दाल भी है, लेकिन हमने खाने नहीं है, तो हमने बोला कि हमें सिंपल से परांठे खाने हैं, तो वो हमारे लिए बने चुके हैं। अम्मा ने अम्मा कब खाने रोटी, और अम्मा कुछ बीमार जैसी लग रही है मेरे को। अब इसने रोटी पता कब खानी, रोटी शाम को खानी, पानी भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं पीना ना, मैं चाय कुछ नहीं। बड़ा जबरदस्त व्रत है, ऐसा मैं व्रत नहीं ले सकती, इस तरह का व्रत है। केड़ा करो जो इतना हुआ ना, केड़ा व्रत आया ना, हाँ तो देते जब खाई लू थी मामी लगी खाने, खाओ खाओ खाओ, भाभी बना रही है और हम लोग खा रहे हैं, तुम लोग खा लेते हैं।